नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी NHM 17,000 प्लस पोस्ट वेटिंग लिस्ट मिला आश्वासन। जनता दरबार में श्री ब्रिजेश पाठक सर जी से मुलाकात और NHM ऑफिस में देर शाम हुई बात। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो अपडेट मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं कि संख्या तो बहुत कम थी, संख्या बहुत कम थी दोस्तों। जो है पुरुष अभ्यर्थी भी आए हुए थे और इसमें महिला अभ्यर्थी भी हैं। यहाँ पर देख सकती हैं, एक एनम बहन आई हैं, छोटा सा बच्चा लेकर आई हैं, देख सकते हैं, अपने हक को मांगने के लिए कि वेटिंग लिस्ट क्लियर किया जाए। नौकरी दोस्तों सबको चाहिए, लेकिन आना कोई नहीं चाह रहा है। अब जितने लोग देख रहे हैं इस पोस्टर में, बस इतने ही लोग आए थे। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पर दोस्तों जो है जितने लोग आए थे उनकी अटेंडेंस ली गई थी। कितने लोग आए हैं वो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं वहाँ से लाइव जैसे शुरू किया, जैसे मैं लाइव अपडेट शुरू किया और एक भाई साहब रहे, अब नाम नहीं बताना चाहूँगा आप लोगों को, उनकी बात हमें बहुत बेकार लगी। उनका एटीट्यूड हमें देखने के बाद इतना बेकार लगा कि वो तमाम तरह की बातें करने लगे। आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आपके ऊपर ये FIR हो जाएगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा। मतलब इतना एटीट्यूड उनके अंदर था कि क्या बताऊँ। मैं जैसे ही लाइव शुरू किया, अरे मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, अपनी बातों को आपके सामने तक पहुँचाऊँगा, जो आपकी बातें रहेंगी अपने माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा ना। लेकिन वो उनके पास क्या जो है प्राउडनेस था, कि क्या जो है उनके अंदर था, एकदम अकड़ कर जो है करें इधर आइए। एक तो बोलने की तमीज़ नहीं उनके पास, कौन सी क्वालिफ़िकेशन उनके पास है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि अगले से बात करने से पहले सोचना चाहिए कि अगला किसी पोस्ट पर कार्यरत तो है, किसी पद पर कार्यरत है, कि उससे मैं कैसे बात करूं। ए इधर आओ, एक वीडियो मत बनाओ, बंद करो ये, जबकि पता नहीं वो स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं। जाइए छोड़िए, नाम नहीं बताना चाहूँगा आप लोगों को, नाम तो पता है, जो अभ्यर्थी वहाँ गए थे वो जानते होंगे। अगर वो भाई साहब वीडियो देख रहे हैं वो भी जानते होंगे। बोलने की तमीज़ नहीं है, मेडिकल प्रोफेसर में कैसे आए हैं, बोलने की तमीज़ नहीं है। उसके बाद जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, जनता दरबार में बच्चे गए, जनता दरबार में क्या हुआ दोस्तों, चलिए पीछे की बात छोड़िए। खुन्नस तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं वहाँ पे। उनका मैं अकड़ और जो है एटीट्यूड केवल देख रहा था। चलिए दोस्तों, आपको मैं अब आगे की बात बता रहा हूँ कि जनता दरबार में क्या हुआ, फिर NHM ऑफिस में देर शाम तक जो है जो बात हुई। पहले मैं अटेंडेंस दिखा दूँ, उसके बाद मैं फिर आप लोग को बता रहा हूँ। टोटल अगर देखा जाए संख्या दोस्तों, नियर अबाउट 20 के आसपास थी, लेकिन इसमें जितने लोगों ने किया है वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। पहले नंबर पर देख सकते हैं दोस्तों, यास्मीन रायबरेली से आई थी, प्राची श्रीवास्तव ये कानपुर से आई हुई थी, और पूजा भारती ये आजमगढ़ से आई हुई हैं, कुमारी उषा देवरिया जिला से आई हुई हैं, प्रीति भारती सिद्धार्थनगर से आई हैं, रेशमा भी सिद्धार्थनगर से आई हैं, और दोस्तों ये क्या लिखे हैं, आकाश पवार क्या लिखे हैं, जो भी हैं ये भी आए हुए हैं, सुमन सरोज जौनपुर से, लवकुश हमीरपुर से। सोच लीजिए दोस्तों, ये सुमन सरोज हमें लगता वही हैं जो छोटा सा बच्चा लेकर आई थी जौनपुर से, और लवकुश हमीरपुर से आए हैं। नीरज कुमार शुक्ला जो है ये बाराबंकी से आए हुए हैं, और शिवम मिश्रा जो है हरदोई से आए हुए हैं, विपिन कुमार हरदोई से आए हैं, शिवांगी पांडे जौनपुर से आई हैं, पूजा चित्रकूट से आई हैं, और एक पूजा और हैं दोस्तों वो बस्ती से आई हैं। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों, अगर दूरी देखी जाए तो लगभग 250-300 किलोमीटर मैक्सिमम, और मिनिमम तो देखा जाए तो 100 किलोमीटर यहाँ से लगभग लोग आए हुए हैं। लेकिन ये अभ्यर्थी जो है, रुकने को तो रुकें, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनके माध्यम से जो है कुछ भी नहीं हो पाया। जो भाई साहब अकड़ कर बोल रहे थे उनके माध्यम से कुछ भी नहीं हो पाया, और वो कुछ किए भी नहीं अभ्यर्थियों के लिए, और उसके बाद जो है इतना जो है सब कुछ दिखा रहे थे। चलिए मैं जनता दरबार का बात बता रहा हूँ। जनता दरबार में जितने अभ्यर्थी यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, सभी लोग गए हुए थे, वहाँ पर ज्ञापन दिए। ब्रिजेश पाठक सर जी ने यही कहा कि आप लोग जाइए NHM ऑफिस, मैं वहाँ पर जो NHM महानिदेशक हैं डॉक्टर पिंकी जोयल मैम, उनके पास मैं फ़ोन कर दे रहा हूं, और आप लोग जाकर फेस टू फेस वहां मिल लीजिए।
उसके बाद फिर आगे जो होगा अपनी बात को रखिएगा। लेकिन दोस्तों फेस टू फेस तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पर बात हो गई थी, जो उनके एचआर एमडी हैं उनसे बात हुई, एचआर एमडी वहां तक बात को पहुंचा दी हैं। और दोस्तों ब्रिजेश पाठक सर जी कहें कि जाइए आप लोगों का काम हो जाएगा, ये बात हुई। फिर उसके बाद जो है हम लोग पता चला कि जो एनएचएम महानिदेशक जो है डॉक्टर पिंकी जोयल मैम जो हैं वो एनएक्सी भवन में रहीं। एनएक्सी भवन दोस्तों कहाँ पर है, मैं कल वीडियो में आप लोग को दिखाया ही था, वहाँ पर पास बनता है, बिना पास के जो है मुलाकात नहीं हो पाती है। तो हम लोग बात किए तो पास बनने जा ही रहा था हम लोगों का, कि उसके बाद पहले ही मैम जो है वहाँ से मीटिंग से निकल गई, वो चली आई एनएचएम ऑफिस। अब जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं इन लोगों से ये बोला गया था कि हम दो तीन लोग जा रहे हैं, चार लोग जा रहे हैं एनएक्सी ऑफिस, वहाँ पर मैम से मिलेंगे, बात करेंगे। अगर मैम वहीं पर मीटिंग में है एक दो मिनट तो समय दे ही देंगी, अगर वहाँ से नहीं मुलाकात हो पाती है तो आप अगर यहाँ मैडम आती हैं एनएचएम ऑफिस तो आप लोग रुके रहिएगा, आप लोग जो है मुलाकात कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग एनएक्सी ऑफिस गए और इधर जो है जितने अभ्यर्थी रहे, अब इन लोगों को क्या जो है बता दिए ये लोग, उसके बाद जो है सब के सब चले गए, कोई एनएचएम ऑफिस में नहीं रुका। अगर रुका होता तो मैम से बात तो हो गई होती, लेकिन फिर हम लोग को दोस्तों वहाँ से एनएचएम ऑफिस आने में जो है टाइम लगा। फिर मैम जो है मीटिंग में बैठ गई, मीटिंग में बैठने के बाद टाइम लग गया और हम लोग देर शाम तक बैठे रहें, दो तीन कैंडिडेट जो भी रहें देर शाम तक बैठे रहें, क्योंकि यही मुद्दा था कि हमको कुछ ना कुछ यहाँ से आश्वासन लेकर जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों देर शाम में जो बात हुई, उसके बाद पहले क्या हुआ था, एक एचआर सर हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट पर आपके काम हो रहा है, आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, क्लियर की जाएगी, लेकिन उस पर काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों तब भी हम लोग जो है संतुष्ट नहीं थे, जो एचआर सर थे उनकी बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। फिर उसके बाद हम लोग ने यही सोचा कि मैम से बात हो जाए या फ़ोन पर ही बात हो जाए। जब वहाँ पर दोस्तों देर शाम को बात हुई, मैं स्वयं बात किया हूँ वहाँ से, उन्हीं के लैंडलाइन नंबर से वहीं से जो है बात हुई मैम से। मैंने केवल बस एक ही यही बात कहा कि मैम जनता दरबार में श्री ब्रिजेश पाठक सर जी से मुलाकात हुई, बात हुई, ज्ञापन दिया गया है और वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की बात भी कही गई है, और यहाँ तक कहे हैं सर कि मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, आप लोग फेस टू फेस मिल लीजिए। तो उन्होंने कहा आप आगे भी बताइए। हमने कहा मैम वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट पर काम तो चल रहा है, जो कुछ है, मतलब काम चलने का मतलब दोस्तों जहाँ तक हमें लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट का काम हो चुका है, लेकिन वहाँ से एक बात संशय वाली रखी गई है कि आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, यहाँ तक बात कहा गया है, क्योंकि हमें शासन की तरफ से आदेश जो मिलेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। इसका मतलब दोस्तों शासन से आदेश का मतलब है कि अब अगर मुलाकात करनी है तो जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की जाए। अब जनता दरबार कब कब लग रहा है वह आप लोग जो है जानकारी रखें। गोरखपुर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग जनता दरबार का पता करें किस दिन लग रहा है, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दीजिए, उनको ये बात बताइए। दोस्तों जब अगर शासन से आदेश ही लेना है तो हम एनएचएम ऑफिस क्यों जाएं, हम ब्रिजेश पाठक सर जी के पास क्यों जाएं? लेकिन हमको सिस्टम से काम करना था ना, पहले हम ब्रिजेश पाठक सर जी के पास गए, ब्रिजेश पाठक सर जी आश्वासन दिए तो हम एनएचएम में आए, एनएचएम से हमें जो भी आश्वासन मिला उन्होंने यही कहा कि वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो सकती है और हो भी सकती है शासन के आदेश पर छोड़ा गया है, शासन उधर से जो हमें आदेश मिलेगा हम करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी घबराए नहीं दोस्तों, अभी भी उम्मीद जगी है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप लोग सीधे सीधे अब जनता दरबार, चाहे लखनऊ में लगे चाहे गोरखपुर में लगे, मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचिए और अपनी बातों को रखिए दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में बहुत से ज़्यादा सीटें खाली अभी भी पड़ी हैं, एएनएम की, फार्मासिस्ट की, स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन की, जो फ्रेश लिस्ट से भरी गई थी पूरी नहीं भरी गई है। 17,291 पोस्ट जो अध्याचन आया था उसमें से मेरा अनुमान है कि 10,000 भी सीट नहीं भरी गई है टोटल देखी जाए तो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जैसे एनएचएम ऑफिस आए थे दोस्तों, एक चीज़ हमको बहुत बेकार लगा
एक तो 250, 300, 400 किलोमीटर से दौड़कर जाओ, और उसके बाद लोग 10 मिनट 15 मिनट वहाँ पर इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। अरे आपको अपना हक मांगना है, आपको नौकरी मांगनी है, उतने दूर से आप चले आ रहे हो, 10 15 20 मिनट नहीं रुक सकते हो। आखिर वहाँ पर दो तीन कैंडिडेट देर शाम तक रुके थे दोस्तों, अंधेरा हो गया था नियर अबाउट। उसके बाद जब गार्ड समझ गया कि अब ये लोग नहीं जाएंगे बिना कुछ आश्वासन लिए, तब जाके गार्ड हम लोगों से जो है बात करवाया। उसके बाद बातचीत हुई दोस्तों, हम लोग संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद वहाँ से चले जिनको जहाँ पर जाना था। ये सब सारी बातें वहाँ पर कल हुई हैं। और इसके साथ में मैं दोस्तों आप लोग से यही कहूँगा कि जो है अफवाहों से एकदम दूर रहिएगा, गलत जो है सूचनाओं से एकदम दूर रहिएगा। अब आपकी लड़ाई जो है वेटिंग लिस्ट जो क्लियर कराने की है, आप लोग जनता दरबार मुख्यमंत्री जी से मिलिए, ज्ञापन दीजिए, तब जाके आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और आप लोग से ये बताना चाहूँगा कि किसी के कहने पर मत आइए कि हम करवा देंगे, हम चला देंगे, चलिए हम वो जो है वहाँ पर चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। कल एक दो भाई साहब इतने हाइपर मतलब मोशन में बात कर रहे थे कि हमें तो लगता है अगर बात बननी होगी तो भी बिगड़ जाएगी। वहाँ पर आपको पोलाइट वर्ड बोलना है, अकड़ कर नहीं बोलना है। कहीं पर भी आप जाइए, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाइए, भर्ती भले 10 साल से लटकी हो, आपको वहाँ पर झुकना ही पड़ेगा। लेकिन मैं देखा दो चार लोग कल ऐसे रहें, वो झुकना नहीं चाह रहे हैं। अरे नहीं झुकोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार 10 सीटें खाली हैं तो 4 को भर के 4 से काम चला लेगी, ठीक है। ये बीजेपी गवर्नमेंट है, मैं जानता हूँ ना, यहाँ पर एम्प्लॉई कम रहते हैं, काम ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जितनी भी एनम बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, सभी लोग एक बार जनता दरबार में जाइए और अपनी बात को वहाँ पर रखिए, और जो बातें हुई हैं इसके पहले वो सब वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को बताइए, मुख्यमंत्री जी ज़रूर सुनेंगे। चलिए दोस्तों अपनी बात को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। और जो भाई साहब हमें वीडियो बनाने से रोक रहे थे, फिर कभी मुलाकात हुई तो उनसे मैं ज़रूर पूछूँगा कि आपके प्रोटोकॉल में क्या क्या है, कैसे क्या है, क्या जो है आज़ादी है, क्या स्वतंत्रता है, ठीक है। मैं तो कल ज़्यादा व्यस्त था, कुछ और भी मेरा काम था, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।